फाइनली पहुंच गई मैं हेलीपैड हेलीपैड पे। बहुत दूर है हेलीपैड, मुझे पता ही था इतना दूर होगा। मैं बहुत मुश्किल से पहुंची हूँ यहाँ पे, और 5 की शिफ्ट थी। मैं घर से 5:30 बजे निकली हूँ। एक मिनट, हाँ, तो मैं घर से 5:30 बजे निकली हूँ और यहाँ पे पहुंची हूँ 7:15 बजे। तो बहुत दूर था, मुझे पता ही नहीं। फिलहाल मैं यहाँ पहुंच गई, अभी रेडी हो जाती हूँ अच्छे से। तो आज मैं आई हूँ राधे मोहन के सेट पे, और ये रहा हमारी बेटी। रेडी होके मिलते हैं। पहले नाश्ता कर ली थी 7 किशी पे, आज नाश्ता मिला है तो पहले मैं यहाँ पे नाश्ता कर ली थी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी आ गई थी। 5:30 बजे घर से निकल गई थी, 5 बजे उठ के, तो मैं कुछ खाना भी नहीं लेके आ पाई और नाश्ता भी नहीं किया। तो पहले नाश्ता, और ये मुझे बहुत पसंद है मीठा लापसी, और ये पोहा पहले मैं खा लेती हूँ, उसके बाद रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो ये है हेलीपैड। यहाँ पे बहुत सारे सीन हुए, बहुत सारे मूवी के सीन, बहुत सारे वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म, सीरियल्स, बहुत सारे सीन्स यहाँ पे हुए, क्योंकि ये हेलीपैड जो है पूरा खुला ग्राउंड है। यहाँ पे कोई सेट नहीं है, आसपास कुछ नहीं है। जो भी बस गिरने का सीन होता है, खाई में गिरने का सीन होता है, और रेसिंग का सीन होता है, जितने भी मतलब ऐसे ग्राउंड वाले सीन होते हैं सब यहाँ पे होते हैं। और यहाँ पे कैसे खाई में गिरने वाला सीन भी होते हैं, यहाँ पे जैसे बस गिर गई ऐसा, तो ऐसे ही कुछ हम लोग का आज यहाँ पे सीन है कि बस का कुछ सीन है, बस में बॉम्ब लगा हुआ है, ऐसे कुछ है। आप लोग तो देख ही लिए होंगे। तो मैं, मेरे नहीं है, किसी और के हैं। रेडी, देखो मैं रेडी हो चुकी हूँ। आज ही मेरे रिपोर्टर का सीन है, कल भी रिपोर्टर में थी, कल अजूनी में थी। तो प्लीज अजूनी का भी मेरा ब्लॉग देख लेना। और आज मैं हूँ राधे मोहन सीरियल में, यहाँ पर भी रिपोर्टर बनी हूँ। हीरा आज का यहाँ का ये कॉस्ट्यूम है मेरा, तो ये शर्ट सिलेक्ट हुए, और ये आईडी कार्ड रिपोर्टर के हिसाब से। हम लोग का एक सीन भी लगा हुआ, बहुत कड़क धूप है यहाँ पे। अभी तो ठंडी का मौसम है इसलिए धूप मालूम नहीं पड़ रहा इतना, लेकिन धूप है बहुत यहाँ पे। तो एक सीन लगा है अभी हम लोग का, तो हम लोग उस सीन में जा रहे हैं। तो अभी हम लोग जस्ट उस सीन में जा रहे हैं, तो मैं जाती हूँ सीन में और आपको बताती हूँ कैसा है हेलीपैड, किसको बोलते हैं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आई। हेलीपैड बहुत सुना था मैंने कि हेलीपैड की शूटिंग बहुत भयानक होती है, और आज मैंने देख लिया कितनी भयानक होती है। अब करूँगी तो मालूम पड़ेगा कितनी भयानक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, पूरा ओपन ग्राउंड है और पूरा धूप 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 है। तो लेट्स सी। फिल्म सिटी टूर बस, यहाँ पे फिल्म सिटी टूर बस भी आती है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करना, मैं अच्छे से बताऊँगी। सीन हम लोग का लग चुका है यहाँ पे, और बस सीन की तैयार हो चुकी है। हम लोग सीन में एकदम कड़क धूप में खड़े हो गए सीन में, जो कि हम लोग रिपोर्टर बने इसीलिए हमें कड़क धूप में खड़ा होना पड़ रहा है। बाकी सब के लिए फिर भी है, मतलब वो टेंट बना हुआ, टेंट के अंदर सीन है। और ये रही बाकी वो जीप और बस का कुछ रेसिंग रहता है यहाँ पे, मतलब बस का राउंड राउंड परिक्रमा करती है, ऐसा कुछ सीन है। आप लोग तो देख ही लिए होंगे। देखो कितनी कड़क धूप है एकदम, और अभी ना कितना बज रहा, अभी 10 बज रहा है, 10 बजे ये हाल है धूप का। तो सोचो 12, 1, 2, 3 बजे तक क्या हाल होगा हमारा धूप के। बाय गॉड, इतनी धूप की शूटिंग। वो तो अच्छा है हम रिपोर्टर है तो हमें कम बुला रहे। धूप की शूटिंग है बहुत ही, इतनी कड़क धूप है एकदम से। वो तो ठंडी का मौसम है तो ऐसा धूप है, जब गर्मी का मौसम होता होगा तो कैसा धूप होता होगा, मैं तो ये सोच रही हूँ। एनीवेज हम लोग का है सीन, लेकिन बहुत कम कम है। हालत देखो अभी से डाउन हो गई, पता नहीं ऐसी स्किन खराब हो रही है, और अभी धूप की शूटिंग करके और खराब होगा। मैंने शर्ट भी वो पहना ना, सिलिकॉन शाइनिंग शर्ट पहना है मैंने, सिलिकॉन का वो शर्ट बोलते हैं, इसलिए मेरे को फटाक से चटके लगे। अगर ये कॉटन का होता तो इतना चटके नहीं लगते मुझे, और इसमें बहुत जोर से स्किन जल रहा है पूरा। उफ, अब क्या कर, अब कंटिन्यूटी लग गई है शर्ट के, अब मुझे पहनना पड़ेगा, मैं चेंज भी नहीं कर सकती अभी। अभी ठीक है, देखते हैं। अभी तो फिलहाल ब्रेक में भी टाइम है, अभी 1 बज रहा है 1 घंटा है ब्रेक में, तब तक एक सीन हो गया है, थोड़ा सा अभी ब्रेक मिला है, वापस से दूसरे सीन में जाना है। आज का दिन थोड़ा सा बहुत बहुत अच्छी अच्छी शूटिंग कर रही थी ना, बहुत लकी फील कर रही थी अपने आप को कि मुझे इतनी अच्छी अच्छी शूटिंग मिल रही है, आराम की शूटिंग आज मिली है मुझे। लेट्स सी, चलो फिर से जाना है सीन में, थोड़ा सा आराम करते उसके बाद जाती हूँ मैं। तो फिर से हम लोग का सीन लग चुका है कड़क कड़क धूप में, तो हम फिर से आगे थोड़ा सा आराम करके यहाँ पे सीन लग चुका है। और यहाँ पे ही देखो किनारे किनारे पे ऐसा जगह है जो ये पूरा खाई जैसा है, ताकि हम यहाँ पे खड़े भी नहीं हो सकते, थोड़ा सा भी धक्का लगा तो उससे नीचे गिर जाएंगे।
और यहाँ पे सीन अभी बच्चे बच्चे भी आ गए, बच्चों का भी सीन है यहाँ पे, तो स्कूल ड्रेस में, क्योंकि ये स्कूल बस है जो भी है उसका ही सीन है पूरा। सो फाइनली मेरा पैकअप हो गया है, हालत देखो मेरी कैसी हो गई, 6 बजे पैकअप भी हो गया, अच्छा हो कि जल्दी पैकअप हो गया, तो अभी मैं जा रही घर पे। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, राधे मोहन सीरियल अगर आपको बहुत पसंद है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना। बाय बाय। आज के दिन यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है क्योंकि जानवरों का पूरा एरिया है। सो फाइनली रात हो चुकी थी, मतलब अंधेरा हो चुका था, हम लोग बस पकड़ लिया, यहाँ से बस से जा रहे, और कल मैं आपको दिखाऊंगी राधे मोहन का पूरा सेट कहाँ पे है और कैसा है, तो प्लीज कंटिन्यू करना इस ब्लॉग को। बाय बाय। ब्लॉग पसंद है प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।